मार्केट में तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के सॉफ्ट बॉक्सेस मिलते हैं, बट आपको कौन सा लेना चाहिए? मैंने टॉप 5 ब्रांड्स के सॉफ्ट बॉक्स को कंपेयर किया है, सो दैट आप नेक्स्ट सॉफ्ट बॉक्स लेते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइप का सॉफ्ट बॉक्स जो आपको अमेजोन या अपने लोकल डीलर के पास मिलेगा। मैं तो ये किसी एक लोकल वेंडर से खरीदा था और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्रॉब्ली 4 to 5 years बैक। अब इसका मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल है, आप अपनी लाइट यहाँ से अटैच कीजिए, जस्ट ओपन द सॉफ्ट बॉक्स और ये इस तरह से खुल जाता है। अब इस पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्ट बॉक्स में 4 डिफ्यूजन लेयर्स आती हैं, एक इनर, एक सेकेंड, एक बाहर का और एक उसके ऊपर ग्रिड। एंड विद दिस 4 लेयर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा डिफ्यूज होगी बट यू नीड अ पावरफुल लाइट ऑल्सो, तो आपका लाइट का आउटपुट तो काफी कम हो जाएगा। ये मैंने 2016 में लिया था और ये अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। दिस इज 120 सेंटीमीटर्स। और अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको ये सारे के सारे जो आउटर डिफ्यूजन है इन्हें निकालना पड़ेगा। अपना हाथ अंदर डालिए, इस टाइप का कोई एक हार्ड सरफेस पे इसे रखिए और ये जो अंदर वाला लीवर है इसे आपको जोर से नीचे प्रेस करना पड़ता है एंड देन इट गेट्स फोल्डेड। अब इसके बाद आता है गोडॉक्स। हमने हर किसी ने गोडॉक्स की लाइट्स जरूर यूज की हैं। अब ये सारे के सारे सॉफ्ट बॉक्स मैंने यूज किए हुए हैं तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गोडॉक्स के सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं 3 डिफ्यूजन लेयर्स के साथ, इनर, आउटर एंड उसके बाद ग्रिड। अब इनका जो ओपनिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह का है। ये जो लीवर्स हैं आपको इन्हें इस तरह करना पड़ता है और ये खुल जाते हैं इस तरह, कभी कभी अटक जाता है, और अगर बंद करना है तो ऊपर वाले नॉब को प्रेस कीजिए और वो इजिली बंद हो जाता है। बट इसमें ना काफी जोर जरूर लगता है क्योंकि आपको ये जो रिब्स हैं आपको इन्हें इसको एज पे पकड़ के इस तरह पुल करना पड़ता है और बहुत बार उसकी वजह से अगर आप देखोगे ये कुछ रिब्स टूट चुकी हैं, प्रॉब्ली शायद इन पे काफी जोर पड़ जाता है। तो इस केसेस में आपको सामने से आप सारा का सारा जो ग्रिड है या इनर लेयर है उनको लगा के रख सकते हो, आप सिर्फ डायरेक्टली पीछे से इसे बंद कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा जोर तो लगता ही लगता है। ये है 80 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स। अब इसके बाद आता है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड जेनी। आई थिंक ऑफ लेट दे मेक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट बॉक्सेस एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। एक तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ऑसम है। जैसे ही आप इस मटेरियल को अपने हाथ में पकड़ते हो थोड़ी सी प्रीमियम वाली फील देता है, अब वो आउटर मटेरियल हो, इनर डिफ्यूजन पैनल्स हो या इवन जो इसकी रिब्स हैं वो भी। ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, आपकी लाइट यहाँ से लगाते हो। बट इसमें एक और चीज़ है, कहाँ पे गिर गई, ये सॉफ्ट बॉक्स इस टाइप की एक इनर डिस्क के साथ आता है। अब ये वाली जो सिल्वर डिस्क है ये यहाँ पे लग जाती है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आपकी लाइट यहाँ से हिट होती है तो सबसे पहले इस डिस्क पे हिट होती है, वो लाइट को ज़्यादा स्प्रेड कर देता है एंड देन यू हैव द इनर डिफ्यूजन 1, 2 एंड देन एन आउटर डिफ्यूजन, सो आपको लाइट बहुत ही ब्यूटीफुल मिलती है। सो ये बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है एंड मटेरियल तो है ही काफ़ी प्रीमियम, बट अगेन जब आपको इसे बंद करना है तो दिस इज अ रियल रियल पेन, क्योंकि आप सारे के सारे डिफ्यूजन निकालो, अंदर हाथ डालो, उसे बंद करो। सो इसलिए आई वॉज लुकिंग एट द सॉफ्ट बॉक्स जिसमें मुझे ये सब तामझाम ना करना पड़े बट स्टिल गिव्स मी अ नाइस डिफ्यूज लाइट। और इसीलिए आ जाता है हमारा 4th सॉफ्ट बॉक्स जो है इस कंपनी का फ्रॉम फोटोन। ये मैंने एक लोकल वेंडर से लिया था या ये अमेजोन पे भी आई एम श्योर मिलता होगा। अंदर का मैकेनिक्स एग्जैक्टली सेम है, इसमें वो स्मॉल डिस्क जरूर नहीं आती है बट जैसे पहले 2 सॉफ्ट बॉक्सेस है सेम वैसे ही है। बट अगर आप इसके पीछे का मैकेनिक्स देखोगे यहाँ पे, दिस इज वेयर द मैजिक इज, फटाफट खुल जाता है एंड फटाफट बंद भी हो जाता है। आपको ना इन्हें खींचने की जरूरत है, आपको सिर्फ इन्हें यहाँ से ऊपर खींचे और ये खुल गया। इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये नॉब्स उन्होंने काफी बड़े बना रखे हैं। एंड नाउ अगर आपको इसे बंद करना है, ये वाला जो लीवर है आप इसे
दबाइए और ये बंद हो गया। The quality is decent because ये obviously सब में से सबसे cheapest version है, but just because of the portability issue और कितनी जल्दी इसका सिस्टम बंद हो जाता है या फिर खुल जाता है, this has become now my personal favorite। और अब चलते हैं हम अपने fifth softbox के ऊपर, जो अभी currently मुझे light दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये लगा रखा है मैंने मेरे ऑफिस में, ये है तो यही वाला, just because I love the black and the grey theme, जो मेरे ऑफिस के लुक को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो मैंने इस पे यही लगा रखा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके आगे जो डिफ्यूजन लगा हुआ है वो इसका नहीं है, वो है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एलन क्रोम, और उनके सॉफ्ट बॉक्सेस मैंने खरीदे थे 2011 या 12 के अराउंड, और वो आज भी बहुत ही ऑसम काम कर रहे हैं। अब वीडियो में एक्सप्लेन करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट वंस यू फील द टेक्सचर ना, एक बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का लुक देता है, जो आपको किसी भी और सॉफ्ट बॉक्स में नहीं मिलते हैं। एंड फॉर दैट एग्जाम्पल द ग्रिड का भी, जो क्वालिटी ऑफ द ग्रिड इज, वो कोई भी और कंपनी बनाती ही नहीं है वैसा। सो इफ यू आस्क मी विच इज माय फेवरेट, अगर तो मैं एकदम क्विक सिस्टम चाहता हूँ कि वो फटाफट खुल जाए और बंद हो जाए, तो आई वुड पिक दिस। और इसका जो आगे का जो डिफ्यूजन है उसको मैं एलन क्रोम के डिफ्यूजन से रिप्लेस कर दूंगा, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द लाइट इज मच बेटर when it comes through it। But अगर आपको इतने मल्टीपल फ्रंट डिफ्यूजन नहीं लेना है और सॉफ्ट बॉक्स अलग नहीं लेना है, तो आई वुड सजेस्ट गो विथ जिनी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द लास्ट 2 years आई हैव बीन यूजिंग देयर प्रोडक्ट, एंड बहुत ही ब्रिलियंट है। पकड़ने के बाद ही लगता है कि बहुत ही वेल बिल्ट है एंड कहीं पे भी नहीं जाएंगे। इवन द रिप्स, द मटेरियल, एवरीथिंग इज सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग। फिर आ जाता है गोडॉक्स, जो हर किसी फोटोग्राफर की एक फेवरेट कंपनी बन चुकी है। बट इस टाइप का सॉफ्ट बॉक्स आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये जो रिप्स हैं, ये शायद मेरी नहीं, काफी और फोटोग्राफर्स की भी टूटी हैं। बट द कंपनी रिसेंटली टोल्ड मी दैट इन द नेक्स्ट 1 month और सो दे आर कमिंग अप विद न्यू सॉफ्ट बॉक्सेस विद अ बेटर सिस्टम, समथिंग वेरी सिमिलर टू जिनी। तो अगर आप वेट कर सकते हो एंड इफ दे कम आउट विद अ नाइस प्राइसिंग, देन यू कैन बाय देम ऑल्सो। दैट वॉज अ कंपेरिजन फ्रॉम माई साइड। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा सॉफ्ट बॉक्स यूज करते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।